अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिश्ते। दोस्तों आज आपने वीडियो के थंबनेल पर भी देख लिया होगा, आज एक बार फिर मैं एक घर दामाद बच्ची का रिश्ता लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिनको घर दामाद ज़रूरत है। अगर आप भी घर दामाद रिश्ते की तलाश में हैं तो आपके लिए मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है, मुकम्मल देखना है, ताकि आपको इनकी रिक्वायरमेंट और इनकी शरायत समझ में आ सकें। और अगर आप इनकी शरायत पे पूरे उतरते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा या थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन रिश्ते फेसबुक पेज, ऑनलाइन रिश्ते इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि आप सब दोस्तों को नए आने वाले रिश्तों की अपडेट्स जो है वो बरवक्त मिलती रहे। मैं डेली बेसिस पे नए नए रिश्ते लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर होता हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रपोज़ल की जानब। अगर उम्र की दोस्तों बात करें तो 35 साल बच्ची की उम्र है, खातून की उम्र है। और अगर कास्ट की हम बात करते हैं तो खान यूसुफ़ज़ई, यानी कि ये पठान कबीले से इनका ताल्लुक़ है। अगर बात करें इनकी हाइट की, 5 फिट और 4 इंच इनकी हाइट है, एक आध है, माशाल्लाह से ठीक ठाक नॉर्मल जिस तरह हाइट होती है वैसी है। शक्ल व सूरत में माशाल्लाह से अच्छी शक्ल व सूरत की मालिक हैं। बात करें अगर कि ये सिंगल हैं या शादीशुदा हैं तो इनकी डाइवोर्स भी है। तकरीबन 7-8 साल का बेटा है इनका, जो कि इनके पास है, इनके अपने ही पास है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की कि इनकी तालीम कितनी है, तो BSc इनकी एजुकेशन है। और फैमिली के बारे में अगर इनका डिस्कस करें तो फादर जो है इनके, वो अपना उनका बिजनेस है, वालदा हाउसवाइफ है। इसके अलावा इनकी फैमिली की मुकम्मल डिटेल इंफॉर्मेशन बाकी जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये महमूदाबाद कराची का एक एरिया है जहाँ पर ये रहते हैं, तो इनको कराची से ही रिश्ता दरकार है। हम बढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की जानब कि इनको किस तरह का रिश्ता चाहिए, कितनी उम्र का और कितनी एजुकेशन होनी चाहिए लड़के की। तो उससे पहले आप सब दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि आप सब दोस्तों को आने वाले रिश्तों की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर लातादाद रिश्ते मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी विज़िट करके देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आपको और रिश्ता चाहिए तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा मैच मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको अपने लिए स्पेशली कोई रिश्ता रिक्वायर्ड है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़ाती घर है और आप शहर में रहते हैं, तो मेरे पास पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान से बाहर के भी रिश्ते मौजूद होते हैं। लेकिन शरायत यही है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों और आपके पास अच्छी जॉब नौकरी हो, या फिर आपका ज़ाती कारोबार हो और आपका घर जो है वो शहर के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की जानिब। 40 से लेकर 45 तक, बेशक 46-47 तक भी हो तो इशू नहीं है, लड़के की उम्र होनी चाहिए, सिंगल हो ज़्यादा बेहतर है, अगर डाइवोर्स हो तो बच्चे वगैरह ज़्यादा ना हो, एक आध बच्चा भी हो तो इशू नहीं है, बस जो इसके बेटे को भी एक्सेप्ट कर ले। लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि BSc इस बच्ची की, इस खातून की जो है एजुकेशन है, तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, नशा वगैरह किसी किस्म का ना करता हो, अच्छी नेचर का होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, ज़्यादा गुस्से वाला ना हो। इसके अलावा मतलब ऐसी फैमिली हो जो कराची से ही बिलोंग करती हो, कराची से बाहर ये नहीं करेंगे, कराची का ही रिश्ता इनको दरकार है। उर्दू स्पीकिंग हो या पठान फैमिली से हो, पंजाबी से भी हो कर लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रेफर करते हैं कि पठान हो या उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा भी कोई और अच्छा सा मैच हुआ तो डिस्कस किया जा सकता है। शहर की बात करें तो शहर इनको कराची से ही चाहिए, इनका मसलक अहले सुन्नत है तो इनको अहले सुन्नत मसलक से ही रिश्ता चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का रिश्ता और इनकी डिटेल रिक्वायरमेंट। अगर आप इस रिश्ते में दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर आप कॉन्टेक्ट करें मुझसे, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जब भी आप मुझसे रब्ता करें तो पहले आप अपनी प्रॉपर डिटेल मुझे बताया करें, वो भी टेक्स्ट मैसेज में, तो उसके बाद आप अपनी पिक्चर भेजा करें और बताया करें कि आप कौन से रिश्ते में दिलचस्पी रखते हैं या किस रिश्ते के मुतलिक आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपको आंसर भी करूँगा। डायरेक्टली आप बिना इजाज़त, बिना परमिशन के मुझे कॉल या वीडियो कॉल ना किया करें,
तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेवान।